नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। तकरीबन 30 वर्षों से नारी सशक्तिकरण को लेकर सक्रिय सामाजिक संस्था न्यामतपुर रोशन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा युवतियों महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्था से हजारों युवतियाँ विभिन्न तरह के हस्तकला सीखकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो पाई है। इसी क्रम में सोमवार को वैसी युवतियाँ के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया जो विगत 6 महीनों से संस्था के नूर नगर स्थित केंद्र में ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण ग्रहण कर रही थी। आज करीब 30 प्रशिक्षित युवतियों को परीक्षा में शामिल किया गया। बतौर प्रशिक्षिका सुल्ताना बेगम, रजिया सुल्ताना, बनाली मुखर्जी, सोनी लक्ष्मी आदि उपस्थित थे, जिन्होंने बारीकी से छात्राओं द्वारा किए गए मेकअप की जांच की। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि वे लोग काफ़ी कम शुल्क में यहां पे बेहतर तरीके से ब्यूटिशन का कोर्स सीख पाए हैं। छात्राओं ने संस्था की अध्यक्ष सुल्ताना बेगम को इसके लिए आभार प्रकट किया। वहीं सुल्ताना बेगम ने बताया कि करीब 30 वर्षों से न्यामतपुर रोशन एजुकेशन द्वारा युवतियों एवं महिलाओं को मेहंदी, सिलाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि प्रोफेशनल कोर्सेस करवाए जा रहे हैं, जिससे हजारों युवतियों को लाभ मिला है। यहां से प्रशिक्षित युवतियां आज खुद को केंद्र व ब्यूटी पार्लर खोलकर रोजगार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 30 छात्राओं की परीक्षा ली गई, इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपके संस्था में क्या था? आज मेरे स्टूडेंट यहाँ पे जब ट्यूशन का जब एक पूरा कोर्स करवाते हैं, 6 महीने का डिप्लोमा, उसका बेसिक क्लास का एग्ज़ाम। कितने बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया है? 30। यहाँ पे ये 6 महीना कोर्स के बाद जो अभी आप बोल रही हैं ब्यूटिशियन का, उसके बाद और भी कुछ कोर्स है क्या इसके आगे? जैसे ये बेसिक क्लास है, अगर ब्राइडल में करने जाएगी तो उसका एक ही क्लास मेकअप का भी होता है, और अगर आप ब्यूटिशियन का क्लास करना चाहेगी तो उसका एडवांस भी कोर्स होता है। कितने दिनों से इस संस्था को आप चला रही हैं? मैं तो ये संस्था काफ़ी दिनों से चला रही हूँ, रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल 2011 से मेरा। यहाँ पे कितने उम्र से लेकर के कितने उम्र तक की लड़कियों को या महिलाओं को यह कोर्स कराया जाता है? मैं 16 साल से लेकर के 40 प्लस तक के मैं क्लास करवाती हूँ। अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट मौजूद हैं? अभी तो यहाँ पे 100 से ऊपर ही स्टूडेंट होंगे। तो सबका एग्ज़ाम हुआ? नहीं, अभी कुछ लड़कियाँ जिस अभी लोग एग्ज़ाम हो रहा, और जो न्यू एडमिशन जो है उन बच्चियों को भी हमने बुलाया कि वो देख कर तो सीख पाएंगे ना, हमने उनको भी कैसे प्रिपेयर करना है। अपने संस्था के माध्यम से महिलाओं को या लड़कियों को, जो लड़कियाँ अभी पढ़ाई कर रही है शिक्षा के क्षेत्र पे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी पढ़ाई तो मस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से कोई बच्चे पढ़ नहीं पाई, ऐसा नहीं कि वो अपने पर डिपेंड नहीं हो सकती। हुनर जो होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो ब्यूटिशन हो, सिलाई हो, पढ़ाई हो, अपनी पहचान बना सकती है इसके द्वारा। आपका नाम? सुल्ताना बेगम। थैंक यू। एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी में आप किस लिए आए हैं? हम लेने आए हैं। अच्छा, किस चीज़ का एग्जाम? या कितने दिनों से यह कोर्स कर रही थी लड़कियाँ? 6 महीनों से। इसके बाद इन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो लोग क्या करेंगे? लड़कियों का आप ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी आज या एग्ज़ाम लेने के लिए? क्या दिखा लड़कियों में जो एग्ज़ाम दिया? टैलेंटेड हैं वो लोग? आपका नाम क्या हुआ? आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? इस संस्था में आप क्या ट्रेनिंग ले रही थी? किस तरह का ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाता है? टीचर्स का जो व्यवहार है आप लोगों के साथ वो कैसा है, पसंद आता है? बहुत अच्छा था, हम लोगों को एक बच्चा की तरह सिखाई है, कुछ गलती होने पे अच्छे से समझाती थी, बहुत अच्छा क्लास कराई। आज आपको जो आप दुल्हन को तैयार की हैं, सजाई हैं,
कुछ सजाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप, आपको कैसा लग रहा है? सजाने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप बेस्ट सजाई हैं या फिर आपसे भी बेस्ट किसी ने सजाया होगा? मेरी फ्रेंड सजाई तो अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम अद्विका सिंह। आपका नाम? मेरा नाम नेहा सिंह। कितना टाइम लगा इस दुल्हन को सजाने में आपको? अभी तो हम लोग का यहाँ पर टाइम दिया हुआ था आधा घंटे के लिए, तो ये कितने दिनों से आप ट्रेनिंग कर रहे थे? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अभी ब्राइडल का है, आगे देख रहे हैं। सच के कैसा महसूस कर रही हैं आप? तो जिसने सजाई है आप उसको क्या कहना चाहेंगे? उनके तरफ बहुत कम दिन में बहुत अच्छा सजाई है। आपका नाम? ये मेकअप जो है ये आपने किया? क्या नाम हुआ आपका? कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे थे आप? 6 महीने में क्या क्या आपने सीखा इसमें? मतलब ये क्लास जो है एवरीडे आपको करना पड़ता है या वीकली कुछ ऐसा? वीकली 2 डेज। यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है जब आपका ट्रेनिंग आज कंप्लीट हुआ है? इसके बाद क्या करेंगी, ऐसा कुछ प्लान? और भी अच्छा करने का इरादा है। कैसा फील कर रही हैं आज सच के आप? आपको लगा था कि आपकी फ्रेंड जो है इस तरह से आपको सजा देंगे? अच्छा, छोटी मम्मी आपको इस तरह सजा देंगे? अच्छा, कितना खर्च आया होगा लगभग आपको मेकअप करने में? मेकअप के लिए खर्चा है। आपका नाम क्या हुआ? बहुत कम खर्च में इतना अच्छा ब्रांड तो इसका पूरा श्रेय आप किसको देंगे जो आपने आंटी को? क्या नाम है? किसने सजाया है यहाँ पर? क्या नाम है इनका? किस लिए सजाया गया आपको? सच करके कैसा महसूस कर रही हैं? कैसा सजाई है ये? इससे पहले घर पे तो आप सजी होंगी, तो घर से और यहाँ पे जो आप सजी हैं उसमें आपको क्या बेटर है ये? आपका नाम? आपने इनको सजाई है? कितना खर्च आया होगा इनका मेकअप करने में आपको? आया बहुत ज़्यादा। फिर भी 6-7 हो गया। यह कोर्स आप कितने दिनों से कर रहे हैं? 6 महीने। 6 महीने से। इसके बाद ये कोर्स आज जो आपका कंप्लीट हो चुका है क्या? इसके बाद क्या करना आप लोगों को? करेंगे मेकअप। इसके अलावा आप लोग क्या पढ़ाई? कितना पढ़ाई किए आप? अभी पढ़ाई कर रही हैं साथ साथ में ब्यूटिशियन कोर्स भी, ऐसा क्यों? आपका नाम? आपका नाम? धन्यवाद। आज यहाँ पे किसने सजाया आपको? तो ये कौन सा मेकअप है? इस मेकअप को क्या कहा जाता है? कोई नाम वगैरह कुछ है क्या इस मेकअप का? जी, अच्छा, जिसने आपको सजाई है उनका नाम क्या है? ये आपकी कौन बहन है क्या? यहाँ पे सच करके आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? घर पे इससे पहले आप इस तरह का मेकअप करी हैं? इनको किसने सजाया, आपने सजाया है? क्या नाम हुआ आपका? कितने दिनों से ब्यूटिशियन का कोर्स आप कर रही थी? इसके बाद और कुछ आगे का प्लान? आज यहाँ पे दुल्हन का मेकअप जो है आपने किस लिए किया है? अच्छा, किस चीज का एग्जाम था? इसको इनको सजाने में कितना वक्त लगा? जिनको सजाए ये कौन है?
अच्छा, अपनी बेटी को आप सजाई हैं, क्या नाम है आपका? कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे थे आप? 6 महीने से। ट्रेनिंग करने के बाद आज जब आपने एक दुल्हन का मेकअप किया तो उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? इसके बाद क्या करना है आगे आप लोग? उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह, कुछ दुकान वगैरह करने का कुछ ऐसा? कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नियामतपुर के। आपको आपकी मम्मी ने सजाया है तो कैसा फील कर रही हैं आप? कि आपकी मम्मी जो है वो अभी फिलहाल स्टूडेंट है और उन्होंने एग्ज़ाम दिए है आपको सजा करके, तो सजने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कि आपकी मम्मी से बेटर कोई आपको सजा सकता है क्या? खुशी महसूस हो रहा है? आपका नाम क्या हुआ? क्या करती हैं आप? कितना वक्त लगा आपको इनका मेकअप करने में? इनका मेकअप करने में कितना? आधा घंटा। 30 आवर्स का आप लोगों को क्या टाइम दिया गया था एग्जाम देने में या इनको तैयार करने में? क्या कैसा फील कर रही थी जब वो तैयार हो गई? तो आपको क्या लगा कि वो आपसे बेटर भी कोई मेकअप कर पाएंगे या आप अच्छा किए हैं कुछ ऐसा? नजर में तो अपना ठीक ही किए हैं, अब और का बात अपना तो ठीक किए अपना। आपका नाम? कैसा लग रहा है सच करके आपको? आपको लग रहा था कि इस तरह से आपको सजा दिया जाएगा? तो जो आपको सजाई है उनके लिए आप कुछ कहेंगे? आपका नाम क्या? क्या नाम हुआ आपका? किस लिए किए हैं आज इनका मेकअप? आप लोगों का एग्जाम है, कितने दिनों से आप लोग ये ट्रेनिंग कर रहे थे? जिनको आपने सजाया या कौन है? फ्रेंड है आपके। कैसा लग रहा है दुल्हन बन के आज? जो सजाई है उनके लिए कुछ कहना है आपको? कितना समय लगा आपको? आपका नाम क्या हुआ? किसने सजाया आपको? क्या नाम है इनका? कितने दिनों से यह ट्रेनिंग आप ले रहे थे? आज क्या आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है? कैसा लग रहा है आज ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो चुका तो? और इस तरह का मेकअप आपका किया गया है तो कैसा फील कर रही हैं आप? इससे पहले इस तरह का मेकअप आपने कभी किया है? आपका नाम? थैंक यू। कितना टाइम लगा इनका मेकअप करने में आपको? आधा घंटा? क्या आप लोगों को टाइम आवर दिया गया था क्लास के? आपका नाम क्या हुआ? आपको जो ट्रेनिंग दी है उन टीचरों को क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है सच करके आपको? इस तरह का मेकअप पहले कभी? आज आपको ये कौन है आपकी? फ्रेंड है। तो आज इनको इनके ऊपर आपको प्राउड फील हो रहा है या नहीं? आपका नाम? कितना वक्त लगा इनको सजाने में? 30 मिनट का क्या आप लोगों को टाइम दिया गया था? इस तरह का ट्रेनिंग क्या आपने पहले भी कुछ किया था या ये फर्स्ट टाइम? किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है? कैसा लग रहा है आपको आज आपको जो सजाया गया, आपकी फ्रेंड ने आपको सजाई है, तो कैसा फील कर रही है? क्या कहना चाहेंगे अपना फ्रेंड को? थैंक यू दी।
आज इनको किस लिए सजाया गया, किस चीज का एग्जाम था, कितना वक्त लगा है इनको सजाने में, यहाँ मतलब आप कहाँ से आती हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के? कुलतोड़ा से आती हैं, ये कौन है जिनको आप सजाई हैं? आपको सच के कैसा लग रहा है, आज कैसा महसूस कर रही हैं? तो ये संस्था में जो इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्या आप भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं? जो इस संस्था को जो चलाती है जो मैडम है, उनको क्या कहना चाहेंगे जो आज आप इस तरह से सजी, आपको सजाया गया है, कहीं ना कहीं इस संस्था में जो ट्रेनिंग दे रही है उनका योगदान है, तो क्या कहेंगे उनको? मैम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतना मतलब बजट में और बहुत अच्छा सिखाती है, बोलने से एकदम हाथ पकड़ के सिखाती है। चार लड़की है मैडम के बारे में, मतलब जितना बोलेंगे उतना ही कम है। आपका नाम क्या हुआ? इसीलिए आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? जयंती दास। इनको दुल्हन किसने बनाया, आपने सजाई है क्या इन्हें? क्या नाम हुआ आपका? कितना खर्च आया होगा इनको सजाने में? क्या क्या चीज का इस्तेमाल किए इनका मेकअप करने में? कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको दुल्हन की तरह सजाया गया है आपके फ्रेंड के द्वारा, तो आपके बहन के द्वारा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का मेकअप आप पहले घर पे कभी फर्स्ट टाइम, मतलब आपकी बहन ने आपको सजाया है यहाँ पे? आपका नाम? थैंक यू। कितने दिनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं आप यहाँ? आज क्या आप लोगों का टेस्ट था? आज इनको आपने मेकअप किया है, तो 6 महीने में आपको क्या लगा, कितना प्रोग्रेस आप करी हैं? यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मतलब किस तरह से दिया जाता है? क्या नाम हुआ आपका? कैसा लग रहा है आपको सच करके आज? किसने सजाया आपको? दीदी ने आपके? दीदी को थैंक यू कहना चाहेंगे क्या आप? आपका नाम? कितना वक्त लगा इनको सजाने में आपको? सजाने के बाद आपको क्या लगा, कितना प्रोग्रेस आप किए हैं? टीचर्स ने क्या कहा आपको? इसमें क्या क्या जो सजाने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज आपने किए? इस तरह का सजाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर ये जाएंगी तो इस तरह का मेकअप करने में कितने क्या खर्चा जाएगा? 5,000। यहाँ जो ट्रेनिंग आप लोग को दे रही थी उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा।